हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ये बताता है कि किसी भी पॉइंट या किसी भी स्पेस की जो जगह होती है, स्पेस कहते हैं किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स की, वो प्लेस होती है जो फिक्स होती है। मतलब मैं आपको जब 9th क्लास में जब आपको बताया गया था तो आपको बताया गया था कि अगर एक पॉइंट है, मैंने आपको एक एड्रेस दिया कि तीसरी गली के चौथे मकान पे आप जाइए, तो आप जो है अगर कोऑर्डिनेट की आपको एक्सिस उसका बता दिया गया है कि ये आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, इसे कहते हैं एब्सिसा और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, स्टेट फोर, स्टेट फाइव, ऐसे ऐसे इनके हाउसेस बने। मैंने आपसे क्या कहा कि आप जानते हैं अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है थ्री और फोर और दूसरा मैंने लिख दिया फोर और थ्री, तो ये आपको मालूम है नंबर आपके सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेट की मदद से आप एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे जाते हैं अगर आप कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ये नहीं कि आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप एकदम स्पेसिफिक प्लेस पे ही जाएंगे। अगर मैंने कह दिया थ्री और फोर, तो आप जानते हैं ये एक्स की वैल्यू है वन टू थ्री, ये है वाई की वैल्यू वन टू थ्री फोर, फोर और थ्री, फोर और थ्री, आप एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर पहुंचेंगे। अगर आप नहीं जानते तो गलती तो होनी ही है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने कह दिया फोर थ्री, तो आप जानते हैं ये फोर और ये थ्री, आप यहां जाएंगे यहां नहीं जाएंगे। मतलब कोऑर्डिनेट की मदद से आप क्या होता है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज की हम बताते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, जो भी आप इसके पहले वाले क्लास में आप क्या पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना होता था, उसकी एब्सिसा बतानी थी, ऑर्डिनेट बताना होता था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताना होता था, ये सारी चीजें होती थी। अब आप इसी में आइए, जैसे यही आपको दिया है, अब ये देखो ये है थ्री फोर और ये है फोर थ्री, अब क्या दिया गया इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस का फार्मूला यहां लिखा होता है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कैसे। देखो 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4 वो भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 1 1 कितना हुआ 2, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये आ गया स्क्वायर रूट 2। और आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं, देखिए ये भी आपको मालूम है हर यूनिट कितने की होगी 1 सेंटीमीटर, तो भी आप निकाल सकते। चलिए आइए, ये फार्मूला जो है बना कैसे एकदम सिंपल वे में है, इसका हमें डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन पूछा नहीं जाता आपसे इस सिलेबस में हमारे लिए। देखिए जैसे ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपके पास हो गया y एक्सिस, x और y एक्सिस हो गया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और बी, एक पॉइंट है आपके पास ये रहा ए, तो इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे एक्स वन और वाई वन, हमें मालूम नहीं है अननोन है, तो हम ले लेंगे एक्स वन वाई वन। एक पॉइंट यहां है और ये होगा एक्स टू और वाई टू, ये दूसरा पॉइंट है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे। अब इनके बीच की ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन होता है और ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y लिखा है, इसका ये मतलब होता है इस ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस पे है और ये क्या है y1 डिस्टेंस, यही तो यहां लिखा 3 और 4 आपको दिया है, तो इस ओरिजिन से ये 3 और ये 4 डिस्टेंस पे है, 3 और 4 का वही मतलब होता है, तो यहां उसको हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं।
अभी ये x1 का मतलब क्या है, ये x1 है, यहां x2 है, तो ये क्या है, x2 है, ये पॉइंट आई, ये क्या है, y1 डिस्टेंस पे, और ये जो है डिस्टेंस वो क्या है, y2 डिस्टेंस पे है। ये x1 है, यहां से x1 डिस्टेंस, यहां से। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस को अगर हमें बतानी है तो हमको मालूम है कि अगर इसको मैं ड्रा करता हूं तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको मैं कह दूं AB की वैल्यू बतानी है तो आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से मैं AB स्क्वायर को बता सकता हूं, इस पॉइंट का नाम C रख लीजिए, AB स्क्वायर जो होगा वो होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा AC, A से लेकर C कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप साफ देख रहे हैं यहां से ये कितना है यस, और ये कितना है x2, तो ये कितना बचा, ये डिस्टेंस ही तो ये पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस जो होगी आपकी कितनी होगी, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, तो ये AC की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC, ये रहा BC, तो यहां से देखिए ये वैल्यू है y1 और ये वैल्यू है y2, अगर इस y2 में से y1 को सबट्रैक्ट कर दिया जाए, y1 के बराबर ये निकल जाए, तो अब आपके पास क्या बचा, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 BC हो, अब ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए ये इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है इस पॉइंट से और ये होता है जीरो जीरो, मतलब एक कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिकली दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो अब एकदम ये फार्मूले बेसिकली क्वेश्चन होंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ते हैं, क्या है 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट, आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 2 3 और 4 1, ये क्या है x1, ये क्या है x2, सही लिखा हूं, ये है x1 ये है x2, नहीं ये गलत है, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y, ax और y कोऑर्डिनेट होते हैं तो x और y आपको लिखना है, अब डिस्टेंस निकाल लिखना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आप इनका नाम a और b लिखिएगा तो a लिख दीजिएगा, अंडर रूट फार्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप यहां पे दोनों को पहले भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 और y1 माइनस y1, ऐसा करेंगे क्या, तो इसमें क्या आपको करने की जरूरत है, इसमें आपको करने की जरूरत है कि हम जो सपोज करते थे x2 को बाद में पहले सपोज कर लेंगे तो फार्मूला बदल जाएगा, आइए हम इसमें से किसी को भी कुछ सपोज कर सकते थे, अब ये देखिए क्या है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या होता है माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर
आपको कुछ सेंटीमीटर मीटर तो दी नहीं जाएगी, आप यूनिट में तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके दो पार्ट हैं, आप इसे कर लीजिएगा, इसके दोनों पार्ट आपको दिया भी है। वैसे थर्ड पार्ट को अगर आप कहते तो बता देता हूँ बस, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब आप इसे करने लगेंगे तो नहीं होगी। आपको दिया है ए बी और यहाँ दिया माइनस ए और माइनस बी, किसी को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस आपको निकालना है, तो फार्मूला जानते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब ये भी ध्यान दीजिएगा एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वैसे कॉमन सी बात है, जहां दो माइनस आते हैं प्लस हो जाते हैं, आपको ध्यान देना होता है वो कंजुगेटिव माइनस आते x2 को मैंने ए ले लिया और फार्मूले में क्या है माइनस, नंबर में क्या है माइनस, तो ऑटोमेटिक इसे क्या कर दीजिएगा प्लस, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस का मतलब कितना ही होगा प्लस हो जाएगा, उसी तरीके से ये हो जाएगा बी और फिर ये हो जाएगा प्लस बी, ये यहां से हो जाएगा टू ए स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर और टू बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अगर आप 4 को कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 को कॉमन लिया गया है और वो बाहर आ गया, 4 को आपने क्या किया कॉमन लिया, अब ये बच्चे स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 आपको दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0, आपको 0 0 और एक पॉइंट इसका नाम ले लीजिए ए और दूसरा पॉइंट आपको दिया है बी 36 और 15, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी मैं आपको बस लिख के दे दे रहा हूँ, फार्मूला आपके पास है ही, क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यहां से आपके पास है, आप इसको एक्स टू सपोज कर लीजिए, ये एक्स टू है ये वाई टू है, उसी तरीके से ये एक्स वन है ये वाई वन है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, अब आगे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं 0 है तो कोई ठीक है, तो ये हो जाएगा आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, आपको दिया डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी तीन पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है उसको क्या कहते हैं कोलिनियर, जैसे ये ए बी और सी, ए है बी है सी, ये 3 है ये 2 है ये क्या है तो अगर ये एक लाइन पे आपको दी जा रही है तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी जो होता है वो ए सी के बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए ठीक है, तो बच्चे अब ये कहिए कोलिनियर का मतलब, अब यही बात मैं यहां कह दूं ए बी और सी ये 3 है ये 2 है क्या ए सी 5 होगा, नहीं होगा कभी नहीं होगा, तो अगर इसीलिए कहा जाता है कोलिनियर की कंडीशन में क्या है, कोलिनियर की कंडीशन में है कि अगर इन इसका प्लस इसका इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो हमारा AC के बराबर आना चाहिए, इस केस में नहीं आएगा क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, लेकिन इस केस में आ गया, तो कोलिनियर के लिए जो है आप यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं AB plus BC is equal to AC, ये क्या है AB क्या है तो डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC और ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC, मतलब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है जो तीन पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच की हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस, AB की डिस्टेंस, BC की और AC की डिस्टेंस निकालेंगे। अब मैं फार्मूला जो है बार बार यही बताने हो रहा है, मैं फार्मूला नहीं नोट करूंगा मैं डायरेक्ट करूंगा, तो
आप ध्यान दीजिएगा, आप जब आप एग्जामों में जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला लिख के करेंगे, ये देखिए जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप साफ कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास कौन कौन से पॉइंट है, तो आपको दिया गया है 1 5, दूसरा दे दिया गया है 2 3, और अगला दे दिया -2 और -3। हमें निकालना था ये पॉइंट ए है, बी है और सी। मैं अगर ए बी निकालता हूँ, ए बी लिखने का क्या पर्पस था, डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट, आपको याद होगा, बस मुझे ये मालूम है इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना गया रूट 5, कितना गया रूट 5, किसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू। अगर आपको निकालना है BC की वैल्यू, D और C को मेजर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू अंडर रूट B और C, ये रहा B और ये रहा C। आप देखो B से C या C से B कोई भी निकाल सकते हैं, ये माइनस है तो आप इसी को लिख लीजिए, फार्मूला क्या होता है x2 -2 -2 प्लस, ये हो गया -11 और ये हो गया -3, तो इसका स्क्वायर ये क्या होगा -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 14, -14 का स्क्वायर 196, और इसको प्लस करेंगे तो रूट के अंदर 6 6 12 1 हुआ, और 19 और 2 21, यानी कि 4 आपका निकल सकता है, तो 4 का क्या बाहर निकलेगा 2, और 4 से करके देख लें 4 ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई BC, BC के बाद हम निकालते हैं AC, A और C, तो AC ये रहा, आप इसमें से इसको घटा दें तो भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 -2 ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा 5 + 11 का, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 + 2 का और 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 16 256, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 9 6 15 265, और इसमें से कोई नंबर है जो बाहर निकल सकता है पेयर में, 5 से करेंगे तो 5 5 25 5 5 3 नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आप वैसे भी आप जानते सारे रेशनल नंबर है, ये आप जोड़ तो सकते ही नहीं है, तो ए बी आप प्लस बी सी ये रहा, और ये ए सी के बराबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट ए बी सी, ठीक है, इज नॉट अ कोलिनियर, कोलिनियर। आप इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन जाकर देखेंगे तो आपको एग्जांपल में एक क्वेश्चन मिलेगा, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 को अगर आप करते हैं तो आप समझ लेंगे ये कैसे होता है, वो क्योंकि वो तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, ये पॉइंट कोलिनियर है और ये क्वेश्चन तो आपको दिया है कोलिनियर नहीं है। और अब आपको इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपके पास बस एक ही फार्मूला है डिस्टेंस का, फार्मूला जो आपको यूज करना है डिस्टेंस का, वो क्या है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। किसी बच्चे ने ये लिख दिया तो भी गलत नहीं है, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, गलत नहीं है बच्चे, यहाँ देखो स्क्वायर की वजह से ये चीजें पढ़ती हैं, स्क्वायर अगर नहीं होता तो माइनस का माइनस ही हो जाता और प्लस का प्लस ही रहता है, स्क्वायर जो है माइनस को भी प्लस कर देता है और प्लस को भी प्लस कर देता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कह रहा है कि वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस करेंगे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, पॉइंट आपको दिए गए हैं 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2,
अब आप ही बताइए आइसोसेलेस प्रूफ करना है, ठीक है। आप फिगर देखते वक्त कहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है वैल्यू चेंज हो सकती है। हमने आपको ट्रायंगल दिया है एबीसी और आपके पास क्या आएगा, कोई भी दो साइड इक्वल आ सकती है, ये आ सकती है इसके बराबर या ये वाली साइड इसके बराबर आ सकती है। आपको जब इसको आपको निकालना क्या है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है ए से लेके बी तक का, फिर आपको बी सी निकालना है बी से लेके सी तक का, फिर निकालना है ए सी, ये आपको क्या निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। ये रहा, जब आप ये मेजर जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें कोई भी दो वैल्यू ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई तो भी आइसोसेलेस सॉरी आइसोसेलेस, और ये वैल्यू इसके बराबर आ गई तो भी होगा, या ये दोनों का कोई भी दो इक्वल इसमें आ जाए तो आपका क्या प्रूव हो जाएगा आइसोसेलेस। क्वेश्चन नंबर आइए 5 से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फोर फ्रेंड है और फोर फ्रेंड जो है वो एबीसीडी अलग अलग चार पॉइंट है जहाँ बैठे हुए हैं और आपको बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन में क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट चंपा एंड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर। आपको बताना है इसमें कि ये स्क्वायर है या नहीं। अब स्क्वायर के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी दो वैल्यू पर आती है। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ी सी आपके पास डिफरेंस होती है, उसकी वजह से आप बात करते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है, लिखा हुआ है पॉइंट ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए जो है क्या कोऑर्डिनेट शो कर रहा है 3 और 4, फिगर बना हुआ है तो 3 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट है 6 है और 7। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है 9 और 4 है। D का कोऑर्डिनेट क्या है, तो D का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6 और 1। बच्चे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या मिलना है, हमें मिलेगा AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ये चारों बराबर होने चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए, डायगोनल। डायगोनल होता है AC और एक होता है बीबी। आपको यही दिखाना है, अगर आपने दिखा दिया कि एबी आप एबी बीसी सीडी और डीए और एसी और बीबी ये दोनों अगर आपने दिखा दिया तो हो जाएगा। ये सब क्या है, एबी क्या है डिस्टेंस, तो आप एक किसका करके दे रहा हो एक किसका करके आपको दे रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन एबी। तो ए और बी को देखिए फार्मूला आपके पास है 6 माइनस 3, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ लिखा है बात का 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा रूट के अंदर 18 और इसे आप लिख सकते हैं कितना, तो आपको मालूम है 2 रूट 3 हो जाएगा सॉरी 3 रूट 2। आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 बाहर मिलेगा। ए बी अगर आ गया 3 रूट 2 तो यहाँ से बी सी देख लीजिए, बीसी कितना होगा, जब फार्मूले से ही करना है 9 से 6 क्या 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा वही 3 रूट 2। बीसी के बाद क्या कह रहा है, सीडी सीडी निकाल के देख लीजिए, सीडी 9 से 6 4 से 1 ये भी वही आ रहा है 3 रूट 2 ये भी आएगा, और सीडी के बाद आपके कहा गया डी ए, तो डी ए को फाइंड किए डी और ए को 6 से गया तो 3 और 1 से गया तो -3, ये भी वही आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, आधा तो वही है रूट के अंदर 9 प्लस 9 और ये भी आ गया रूट 18 और इसकी वैल्यू भी दिया है। अब देखिए जब चारों साइड इक्वल है तो ये रोम्बस भी हो सकता था और स्क्वायर, दो ही ऑप्शन थे, ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब रोम्बस ना हो इसलिए आपको प्रूव करना है स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर की कंडीशन क्या है, एसी और बीडी बराबर हो जाए, एसी को निकाल लीजिए और बीडी को निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एसी को निकालेंगे, ए और सी यहाँ है 9 से 3 का कितना हुआ 6 का स्क्वायर और 4 से गया 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 36, इसकी वैल्यू क्या है 6, और इसी तरीके से निकाल लीजिए इससे तो 6 से 6 गया बच्चे 0 का स्क्वायर और वहाँ गया तो -6 का स्क्वायर, 1 से 7 जाएगा तो ये भी आ गया रूट के अंदर 36 और इसकी वैल्यू क्या है 6, इसलिए ये क्या है ए बी सी डी क्या है स्क्वायर है।
ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमने आपको सारी चीजें प्रूफ करके दे दिया, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं होते तो ये क्या हो जाता, रोम्बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।